जयपुर से और शरद टांग सिरोही से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सिरोही की स्थिति जानते हैं। शरद, सिरोही की स्थिति आज क्या कुछ है, किस तरीके का मौसम आज बना हुआ है सिरोही में? जो 3 दिन से लगातार जो सर्दी का टॉर्चर था वो जारी है, शीतलहर चल रही है और हाड़ कंपकंपाने वाली सर्दी से लोगों में दुजनी छूट चुकी है। आज पारा जो माउंट आबू का है वो जमाव बिंदु पर आ चुका है, जो पिछले 3 दिन से लगातार माइनस में चल रहा था। और जो सिरोही का टेम्परेचर की बात करें तो 60 डिग्री का टेम्परेचर है। भले ही पारे में थोड़ा सा उछाल देखने को मिला है, लेकिन हाड़ कंपकंपाने वाली सर्दी ने लोगों का बेहाल कर रखा। किसान खासकर ज्यादा परेशान है। किसान हमारे साथ में, हम उनसे बात करते हैं, इस सर्दी से क्या असर पड़ा है किसानों पर? देखिए, ये सर्दी जो इतना अभी टेम्परेचर बहुत कम हुआ है, सर्दी ज़्यादा है और उससे जितनी भी फसल वेजिटेबल्स ज़्यादा करके जितने टमाटर्स हैं या अन्य जितनी वेजिटेबल्स है, बैंगन हुआ, पपीते की खेती हुई, जीरा हुआ, सरसों हुआ, तो इसमें पाला पड़ने की पूरी संभावना है और इसमें पाला पड़ते ही पूरी फसल जो है वो जल कर नष्ट हो जाती है। तो अभिषेक, आप देख सकते हैं कि किसान पूरी तरीके से प्रभावित हैं। जो वेजिटेबल्स जो इन दिनों जो होती है वो पूरी तरीके से नुकसान में है और पशुपालकों की बात करें तो वो भी परेशान है, क्योंकि पशुओं की स्थिति बहुत ही खराब है और सर्दी का असर उन पर भी ज़्यादा पड़ रहा है। रोजमर्रा की जो जो रूटीन है लोगों का वो प्रभावित हुआ है, दिनचर्या प्रभावित हुए। कुल मिला के बात करें तो सर्दी का असर बरकरार है और माउंट आबू में जमाव बिंदु की वजह से नौकायानों पर भी बर्फ जमी हुई है। जी अभिषेक, बिल्कुल। जयपुर का हाल जानते हैं। सौरभ, जयपुर की स्थिति क्या है और जयपुर